असलम वी आर स्टूडेंट टे वी गोइंग टू डि द फिजिकल प्रॉपर्टीज मेटल्ज दै द वेरियस फिजिकल प्रॉपर्टीज़ सो वी आर गोइंगस दिजीकल प्रॉपर्टीज़ दैट इज़ फर्स्ट मेलेबलिटीबल मेटल्ज जो होते हैं वी कैन ड्राम दैम शीटस विदाउट ब्रेकिंग दैम तो ये कैसे होता है इफ़ वीव इफ बीट दम यूजिंग हेमर दे चेंज इन टू दिन शीट्स दिस प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल बाई विच वी कैन चेंज दम इन टू दिन शीट्स इज कल्ड एज दिएबलिटी अब ये मेलेबलिटी से हम क्या फ़ायदा ले सकते हैं मोस्टली जब हम देखते हैं दियर आर सम मेटल्स लाइक सिल्वर है कॉपर है एलमूनियम है दर हाईली मेलेबल Uh, तो आप जब देखेंगे यो यूटेंसल बिच वी यूज़ इन आवर डे टू डे लाइफ तो कॉपर के बने हुए होते हैं दिस इज़ ड्यू टू द प्रॉपर्टी दैट इज़ इसी तरह से फूड कवरिंग जो होता है चॉकलेट की कवर्स जो होते हैं उसमें भी हम यूज़ करते हैं दैट इज मेलेबलिटी द नंबर सेकंड प्रॉपर्टी दैट इज़ डक्टिलिटी डक्टिलिटी इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय द वर्चू ऑफ विच इट कैन बी ड्रॉन इन द थिन वायरस जिससे हम क्या बना सकते हैं थिन वायरज तो उसको कहते हैं हम डक्टिलिटी

उसी तरह बहुत सारे मेटल्स है लाइक अल्मोनियम है कॉपर है जिससे हम थिन वायर्स बनाते हैं कॉपर वायर है अल्मोनियम वायर है इसी तरह से आपने फ्लैमेंट देखा होगा बल्ब में है टंगस्टन का बना हुआ होता है सो दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज द डक्टिलिटी नंबर थर्ड प्रॉपर्टी नंबर थर्ड प्रॉपर्टी इज द मेटल्स आर द गुड कंडक्टर्स ऑफ द हीट मेटल इज आर द गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट अगर हमारे पास एक मेटल है इसको हम यहाँ से हीट दे रहे हैं यू विल फील द टेम्परेचर राइज एट दिसड दिस इंडिकेट इज दट कैरी इज द हीट मेटल जो है ये कैरी हीट करता है दैट इट एलोज द्रो दम दैट गुड कंडक्टर्स ऑफ द हीट सिल्वर इज द बेस्ट हीट कंडक्टर सिल्वर जो है बेस्ट है ज द पोअरेस्ट या कुछ एक्सेप्शन होते हैं जो होता है इट्ज द पोअरेस्ट हीट कंडक्टर तो मेटल्स यूजली जो होते हैं गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं इनमें हीट ट्रेवल होती है सो दीज आर दर्स्ट थ्री प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल्स क्या क्या है फिर से एक बार हम रिपीट करते हैं दैट मेलेबलिटी कंडक्टिविटी एंड दीट कंडी मेरेबिलिटी हमने कहा थिन शीट्स इंडक्ट्रिटी का मतलब हो गया थीन वायर्स एंड ऑल द मेटल एलो ही टू पास थ्रू दम सिल्वर जो है, होता है बेस्ट होता है एंड लेड इज दुअर रेस्ट